प्रयागराज से भी बड़ी खबर, जहां पर बाहुबली अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर पर 2 लाख का इनाम रखा गया है। तो सीबीआई ने अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर का पोस्टर जारी किया है, जहां पर बाहुबली अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर का पोस्टर जारी हुआ है। तो देवरिया जेल में लखनऊ के कारोबारी की पिटाई का मामला है और इसी मामले को लेकर फिलहाल जिस तरह से लगातार कार्रवाई चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के दर्ज होने के बाद से ही फरार उमर चल रहा है, तो एफआईआर दर्ज है और कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी है और ऐसे में अतीक इन दिनों गुजरात जेल में बंद है। और शोएब हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुट गए हैं। शोएब, 2 लाख का इनाम रखा है और क्या जानकारी इसको लेकर पुलिस के जरिए दी गई है? बिल्कुल, चूंकि पूरा मामला सीबीआई की तरफ से देखा जा रहा है और सीबीआई ने प्रक्रिया के तहत बाकायदा ये सोशल साइट पर भी पोस्टर वायरल हो रहा है, लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बना हुआ है। चूंकि अभी तक उमर संबंधित कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके हैं, तो वहां से एनबीडब्ल्यू भी इनके खिलाफ जारी है, गैर जमानती वारंट यानी जारी हो चुका है और इसके बावजूद अभी तक ये हाजिर नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई अब उन्हें इस तरह से तलाश करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बाकायदा उसका पोस्टर जारी किया है और साथ ही साथ जहां भी संभावित जगहें हो सकती हैं वहां तलाश भी कर रही है, क्योंकि ये इनका होम डिस्ट्रिक्ट है प्रयागराज, यहीं के रहने वाले हैं, तो यहाँ भी तलाश उनकी की जा रही है। सीबीआई अपने तरीके से उनकी तलाश कर रही है। पूरा मामला चूंकि लखनऊ में दर्ज है, एक प्रॉपर्टी डीलर से जुड़ा मामला था, बाकायदा देवरिया जेल में मारपीट का मामला था, उसी संबंधित में उस एफआईआर में इनका भी नाम है और उसी संदर्भ में सीबीआई इनकी तलाश कर रही है। तो इससे पहले किस तरह की शोएब यहाँ पर कार्रवाई चल रही थी और फिलहाल जिस तरह से अब पोस्टर भी बकायदा यहाँ पर जारी कर दिया है, अनुमान क्या जताया गया है कि कहाँ पर हो सकता है? कुछ इनपुट्स यहाँ पर मिले होंगे उसको लेकर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस सीबीआई, चूंकि पूरा मामला सीबीआई देख रही है, तो सीबीआई इस बात की ही कोशिश कर रही है कि कोई क्लू मिले ताकि उन्हें अरेस्ट किया जा सके और पोस्टर की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा करती है। अपनी तरफ से सीबीआई भी कोशिश कर रही है, लेकिन जो पोस्टर है उसके जरिए से भी ये चीजें आगे बढ़ा रही है, शायद उनको कुछ उस तरह का इनपुट मिले जिससे उन्हें वो गिरफ्तार कर सके। तो पुलिस इन्हीं चीजों के जरिए गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, हालांकि उसके लिए भी एक चुनौती है क्योंकि समय बीत चुका है, अभी तक सीबीआई के हाथ खाली हैं, तो ये पोस्टर के जरिए शायद अब वो एक और कोशिश करना चाहती है। चलिए, धन्यवाद आपका शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए।